नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। चुनावी दौर शुरू होते ही कई पार्टियों से, जगह जगह से नेताओं का निकलना, नेताओं का चुनाव प्रचार करना और उनका जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। हम लगातार कई नेताओं से मिल चुके हैं और इस बार हमारे साथ जदयू संभावित प्रत्याशी हमारे साथ अभी मौजूद हैं और ये काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और जैसा कहा जा रहा है कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट इस बार तय माना जा रहा है। बाकी बातें समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम इन्हीं से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या इनका विजन है, क्या इनका उद्देश्य है और लालगंज में ये क्या करने वाले हैं। तो सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका, अपने बारे में बताइए। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय मालाकार हुआ। मैं मूलतः घटारो का निवासी हूँ, जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। ऐसे मैं जदयू का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और जदयू में प्रदेश के संगठन प्रभारी भी हूँ। साथ ही इस बार जो चुनावी माहौल है, मैं भी लालगंज विधानसभा क्षेत्र के से आने के नाते मैं अपना दावा ठोका हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं आरसीपी सिंह साहब, उनको मैं अपना लालगंज के उम्मीदवारी पेश किया हूँ और वहाँ से हमें 5 दिन पहले आश्वासन मिला कि आप क्षेत्र में जाइए और हम क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में हम सोचे कि आप लोग के बीच भी रूबरू हो लूँ, तो हम बता दें कि मेरा हक भी बनता है, मैं लालगंज का ही निवासी हूँ और मेरा मुद्दा है लालगंज के लिए। मुद्दे पे मैं आ रहा था कि जो लालगंज के प्राथमिक मुद्दे हैं, आपके नज़र में 3 प्रमुख मुद्दे ही बता दीजिए जिस पे आप काम करेंगे ताबड़तोड़। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि लालगंज के अनुमंडल की मांग बहुत पुरानी मांग है। लालगंज को अनुमंडल बनाने की मांग चल रही थी, अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन बिल्कुल पिछले अभी तक जो भी नेता आए, जो भी वो चुनावी मुद्दा तक ही रहे, चुनावी मुद्दा बनाए और उसके बाद भूल गए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से लालगंज के आम जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम पहला ही हम सदन में मेरा आवाज़ होगा, लालगंज को अनुमंडल बनाने का मुद्दा होगा और हम इसको अनुमंडल का दर्जा दिलाकर ही रहेंगे। दूसरी बारवे घाट की मुद्दा है, यहाँ से जो हम लोगों को जो है सारण को जोड़ने का सबसे आसान तरीका होगा और हम लोगों को बहुत घूमकर जो जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को, हाजीपुर होते हुए सोनपुर होते हुए, अब जितना हम सोनपुर पहुँचेंगे उससे पहले हम सारण में प्रवेश कर जाएंगे, उससे यहाँ के व्यवसाय भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को सुविधा भी होगा, तो इससे भी हमको लगता है लालगंज के लोगों को बहुत सहूलियत होगी और यहाँ व्यवसाय में भी लगता है कि सम्मानजनक यहाँ का ग्रोथ बढ़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी जस्ट कि नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री की तरफ से मेडिकल कॉलेज खोला गया है, तो लालगंज की दृष्टिकोण से अगर देखें लालगंज में, आपको क्या लगता है उससे कितना फ़ायदा होगा और आप और आगे लालगंज के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपको बहुत बता दें कि बहुत खुशी की बात है कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी उस मेडिकल कॉलेज जो महुआ में बनने जा रहा है उसका शिलान्यास किए। हम आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं वैशाली के जनता के ओर से कि उन्होंने जो एक ऐसा हम लोगों के लिए एक उपहार दिया है, यह वाकई में यहाँ के इतिहास याद रखेगा। और आज आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज ही नहीं, वैशाली में जो 550 करोड़ रुपये की लागत से वहाँ म्यूजियम बनने जा रहा है, जो सब विश्व का ही सबसे यूनिक म्यूजियम होगा, जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आएंगे और इस म्यूजियम में को देख कर जरूर है कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। साथ ही साथ हम बता दें कि विकास के मामला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और हम लोग तो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, हम लोग का मुद्दा ही रहेगा विकास करना। जो 15 साल में हमने काम किया है, हमारी सरकार द्वारा जो काम हुई है वह इतिहास हुआ है और आगे भी हमने वादा किया है। हमारे नेता भी बार बार बोलते हैं कि विकास ही मेरा मुद्दा है, विकास किए हैं, विकास करेंगे और अभी बहुत सारा काम बाकी है। कृषि के क्षेत्र में हमारे नेता जो है अभी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और उससे है कि कृषि के क्षेत्र में हम लोग को बहुत सारा उपलब्धि मिला है। तरह तरह की योजनाएँ की बात करें
तो साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, अल्पसंख्यकों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए, सभी वर्ग के, यानी हम दावे के साथ कहना चाह रहे हैं कि बिहार के कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के लाभ ना मिलता हो। ये तो होगी योजना की बात। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप अभी जदयू के संभावित प्रत्याशी हैं, अगर टिकट किसी कारणवश चूकते हैं या ना मिलता है तो आप क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर जो जदयू से आएंगे उनका उनको समर्थन करेंगे? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं और सच्चा ईमानदार और वफादार जिसको कहा जाता है वैसा सिपाही हम हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता दल यू लालगंज से लड़ेगी और हमें यह भी विश्वास है कि माननीय नेता मुख्यमंत्री जी RCP बाबू हमें ही उम्मीदवार बनाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान इससे बढ़ेगा और उन्होंने इस बार घोषणा भी कर चुके हैं कि अति पिछड़ों को भी लड़ाना है, उस दायरे में हम अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं, दूसरी कार्यकर्ता को लड़ाना है तो हम कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमें विश्वास है कि जनता दल यू लालगंज लड़ेगी और हम ही उम्मीदवार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय मालाकार जी, जदयू के संभावित प्रत्याशी, और देखते हैं आगे कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा कि क्या सारे पर्दे साफ हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।